तो गाइस अभी यूट्यूब पर एक नया अपडेट आया है सब्सक्राइबर हाइड और अनहाइड करने का, तो मैं आपको बता दूँ वो कैसे करना है, देख लो आप लोग। तो गाइस हमको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर youtube.com लिख देना है। youtube.com लिखने के बाद हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, और गाइस चैनल को हमारे क्रोम को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर देनी है। डेस्कटॉप साइड ओपन करने के बाद हमारा चैनल ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप साइड में। तो गाइस हमारा चैनल डेस्कटॉप साइड में ओपन हो गया, और फिर हमको हमारे चैनल पर ओके कर देना है और योर चैनल पर क्लिक कर देना है। योर चैनल क्लिक करने के बाद हमको फिर कस्टमाइज चैनल पर ओके कर देना है। कस्टमाइज चैनल पर ओपन करने के बाद हमारा YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो गाइस तब तक वेट कर लेते हैं ओपन होता है हमारा चैनल। ये गाइस हमारा चैनल ओपन हो गया, और फिर हमको स्क्रॉल करके सेटिंग वाले बटन पर ओके कर देना है। सेटिंग वाले पे ओके करने के बाद हमको फिर चैनल पर ओके कर देना है। तो गाइस चैनल पर ओके करने के बाद अबाउट सेटिंग पर ओके कर देना है। अबाउट सेटिंग पर ओके करने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। तो गाइस यहाँ पर पहले ऑप्शन आ रहा था सब्सक्राइबर हाइड और अनहाइड करने का, तो गाइस अभी वो ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से हट गया है। तो गाइस अभी किसी के सब्सक्राइबर हाइड नहीं होंगे और अनहाइड भी नहीं होंगे। तो गाइस जिसके भी पहले से अनहाइड सब्सक्राइब किए हुए हैं वो भी यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएंगे। तो गाइस फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गाइस आपने देख लिया, क्योंकि ये गाइस अभी YouTube की तरफ से सब्सक्राइबर का ऑप्शन हट गया अनहाइड करने का। तो गाइस अभी मेरे भी चैनल पर अभी सब्सक्राइबर हाई अनहाइड नहीं हुए, तो वो भी हो जाएंगे धीरे में। तो मैं भी सोचा कि चलो वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बता दें कि सब्सक्राइबर अब हाइड नहीं होगा। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।